हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं कि ग्रुप डी की एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। अब खुश हो जाओ मेरे दोस्तों, तैयारी में लग जाओ, पूरी तरह से सब कुछ छोड़ करके तैयारी में लग जाओ, क्योंकि जो एग्जाम डेट है वो है 17 अगस्त, यानी कि आपके पास 45 दिन है और 45 दिन में आपको किसी भी तरह से इस बार ग्रुप डी एग्जाम निकालना है। तो देखिए, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस आ गया। मैं आपसे कह रहा था कि 30 तारीख तक रुक जाइए, 30 तारीख तक आपकी एग्जाम डेट की घोषणा हो जाएगी। और देखिए, आज 30 तारीख है और 30 तारीख को ही आपको रेलवे ने खुशखबरी दे दी है कि आपका एग्जाम 17 अगस्त से होगा। मैं हर वीडियो में बताता था कि जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ है। देखिए, मैंने आरआरबी भोपाल की वेबसाइट खोल रखी है, तो देखिए जैसे ही जाएंगे आपको नीचे देखिए दिखाई दे जाएगा। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं 30/6/2022 नोटिस ऑन एग्जाम डेट फॉर CVT, यानी आधार बेस बायोमेट्रिक, यानी कि जो भी एग्जाम होना है, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो आपको इस तरह से एक नोटिस खुल के आपके सामने आ जाएगा। देखिए, और देखिए जैसे ही आप पहला पॉइंट पढ़ेंगे तो आपके लिए बस ये चीज़ देखनी है कि 17 अगस्त 2022, यानी कि 17 अगस्त 2022 से आपके एग्जाम स्टार्ट। दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो आपके एग्जाम डेट की जिसका इंतजार आप लोग 3.5 साल से कर रहे थे, उसका इंतजार अब खत्म हो गया है। तो ये इसमें ज्यादा खास आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें बस यही नोटिस है कि जो आपके एग्जाम है वो आप 17 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, और बस आपको अब तैयारी करनी है। कैसे तैयारी करनी है, मैं आपको 45 दिन का पूरा शेड्यूल प्रोग्राम लेकर के आ जाऊंगा। उस वीडियो को देखिए, फिर उसको फॉलो कीजिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, ये बहुत अच्छी खबर है, और अपने दोस्तों में सभी में बता दीजिए इस वीडियो को, सभी को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी को पता चल सके कि ग्रुप डी एग्जाम डेट आ गई है और वो एग्जाम होने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपको बस यही बताना चाहता था कि ग्रुप डी का एग्जाम जो है 17 अगस्त से होगा और ये कई फेज में होगा, तो लगभग 2-2.5 महीने ये एग्जाम आपका चलने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।